नेता सतपाल जैन ने रेल मंत्री पवन बंसल पर आरोप लगाया है कि उनके भांजे और पवन बंसल सिर्फ मामा भांजे ही नहीं है बल्कि दोनों धंधे में पार्टनर भी हैं। रिश्वत कांड मामले में सतपाल ने कहा कि यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि दोनों का नाम रिश्वत कांड में आया है। विजय सिंगला का पकड़ा जाना लोगों के लिए, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए हैरानी की बात होगी, चंडीगढ़ निवासियों के लिए हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हमको पहले से ही मालूम है सारे शहर को कि पवन बंसल अपनी सारी डील्स जिन लोगों के थ्रू कर रहे थे उनमें विजय सिंगला भी शामिल है। पवन बंसल को जाना होगा, इनकी रेलगाड़ी को रुखसत होने के लिए इन्होंने स्वयं आज हरी झंडी दे दी है, इनको अब चलना पड़ेगा, बच नहीं पाएंगे, इनकी सीटी बच चुकी है। तो रेल मंत्री के भांजे पर घूसखोरी का आरोप लगने के बाद हमने बात की बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर से। देखिए, आम आदमी तंग है कि एक रेलवे की टिकट लेने के लिए भी उसको घूस देनी पड़ती है, रेलवे की बुकिंग करानी है तो महीनों इंतजार करना पड़ता है, और रेलवे बोर्ड का सदस्य बनना हो तो 90 लाख या 2 करोड़ की घूस देनी पड़ती है, और देश में सबसे ज्यादा अगर सरकारी कर्मचारी किसी एक विभाग में है तो रेलवे में है। आप अंदाजा लगा सकती हैं अगर एक पोस्ट के लिए 2 करोड़ दिए जाते हैं तो एक वर्ष में रेलवे मंत्री कितना पैसा बनाता होगा, और ये कुल मिलाकर। और अगर विजेंद्र सिंगला का नाम आ रहा है तो ये शायद सांसद है, उनके जो भांजे हैं, क्या ये वही है या कोई और है ये मुझे पता नहीं, लेकिन सीबीआई को रेल मंत्री के घर पर भी छापा मारना चाहिए, और जो इससे पहले कि वहां से पैसा निकाला जाए या कुछ ऐसा हो तो मुझे लगता है उस पर देखना चाहिए। देश के लोगों का विश्वास उठ चुका है सरकार पर से, क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम मामले में इराजा जेल गए और 9 महीने बाद जेल से बाहर आ गए, कलमाड़ी जेल गए 6 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। अब कांग्रेस के नेताओं को लगता है 5-6 महीने जेल काटाओ, अरबों रुपए कमाओ, इस देश में कौन पूछने वाला है, और जब कोई पूछने वाला होता है तो कानून मंत्री सीबीआई के डायरेक्टर को अपने कमरे में बुलाते हैं, रिपोर्ट में तब्दीली करवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकते हैं, और कुल मिलाकर इस देश को लूटने में लगातार कांग्रेस लगी रहती है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर को आपने सुना, लेकिन लेफ्ट लीडर अतुल अंजान ने तो कांग्रेस के पूरे कुंबे को ही जमकर कोसा। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि इंडिया न्यूज की अतुल अंजान से क्या बातचीत हुई। देखिए, अगर ये सच है और सीबीआई अपनी रिपोर्ट को लेकर के आती है तो ये सरकार के लिए बहुत ही दुखदायी होगा, एक के बाद एक कड़ी दर कड़ी इस सरकार के मंत्री जेल जा रहे हैं, इनके लोग भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जा रहे हैं। अभी आज इनके भूतपूर्व सहयोगी यूपीए के डॉक्टर अम्बुमनी दास पकड़े गए हैं वहाँ चेन्नई में, तो हो क्या रहा है जी? एक किश्तों में कांग्रेस पार्टी की बारात निकल रही है, और इससे जो है क्या लोग